नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन के सोमवार का व्रत करते समय आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए और सावन के सोमवार की व्रत की विधि भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सावन के सोमवार के नियम और सावन के सोमवार के नियम के बारे में हम जानेंगे, व्रत करने से क्या फ़ायदे होते हैं और इस साल 2021 में सावन का सोमवार कब से स्टार्ट हो रहा है और कितने सोमवार पड़ेंगे इस बार, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सावन में पड़ रहे शुभ संयोग के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इस दौरान भगवान शिव पर पृथ्वी लोक की देखभाल की जिम्मेदारी होती है और वे पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं, ऐसा माना जाता है। शिव भक्त इसी महीने में कांवड़ लेकर के आते हैं और उस कांवड़ में भरे गंगा जल से शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखकर शिव जी की आराधना की जाती है। इससे भगवान शिव खुश होकर के अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं द्वारा सोमवार का व्रत रखने और भगवान शिव की आराधना करने से उन्हें मनवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सावन और देवों के देव महादेव का बहुत गहरा नाता है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और भगवान शिव विष्णु के सो जाने के बाद में सावन के महीने में रुद्र ही सृष्टि के संचालन का कार्य देखते हैं। इसलिए देश भर में सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचती है। शिव भक्त सावन सोमवार के दिन उपवास रखते हैं। पुराणों में बताया गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन में शंकर जी की सच्चे मन से अगर पूजा करी जाए तो उसका कई गुना लाभ मिलता है। चलिए अब हम जान लेते हैं सावन के सोमवार के व्रत के नियम और व्रत की विधि। तो दोस्तों, सावन के सोमवार की व्रत की विधि इस प्रकार है। सावन के सोमवार का व्रत दिन के तीसरे प्रहर यानी शाम तक रखा जाता है। सुबह स्नान और नित्य कर्म करने के बाद में व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद गंगा जल, बेलपत्र, सुपारी, पुष्प, धतूरा, भांग आदि से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की कथा सुनना अनिवार्य है। आपको व्रत की कथा सुनना या पढ़ना चाहिए। साथ ही शिव जी के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन महीने के सोमवार व्रत करने से पूरे वर्ष के सभी सोमवार व्रतों का फल मिल जाता है। व्रत करने वाले को तीसरा प्रहर खत्म होने के बाद में एक ही बार भोजन करना चाहिए। रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से लेकर के अंतिम सोमवार तक इस व्रत का पालन करना चाहिए। सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, शिव जी से जुड़े सभी व्रत तीन प्रहर तक किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सावन सोमवार के नियम। सावन सोमवार के दिन जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी किसी अनैतिक कार्य को करने से जरूर बचें, बुरे विचार मन में ना लाएं, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। सावन के सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके भगवान का ध्यान करें, साथ ही बड़े और असहाय लोगों का अपमान ना करें, गरीबों की सेवा करें। सावन में भगवान शिव की पूजा में कम से कम बेलपत्र और धतूरा जरूर रखें। सावन में बैगन खाने से बचें, क्योंकि शास्त्रों में बैगन को अशुद्ध बताया गया है। सावन में मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप पर जीव हत्या का पाप लगता है बल्कि आपका मन भी अशुद्ध होता है, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहिए।
सावन हरियाली का मौसम है। यही हरियाली शिव जी को अत्यंत पसंद आती है, इसलिए पेड़ पौधों को काटने से बचना चाहिए। जरूरी हो तो पेड़ पौधे लगाएं, अगर हो सके तो पेड़ जरूर लगाएं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सावन के व्रत को करने से क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, अगर आप सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे फेफड़े का रोग, दमा और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत अविवाहित लड़कियों के लिए भी बहुत फलदायी होता है। मान्यता है कि 16 सोमवार को व्रत करने पर लड़कियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। साथ ही चंद्र ग्रह के मजबूत होने से व्यवसाय और नौकरी से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं। पुराणों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सावन के सोमवार में भगवान शंकर की पूजा करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी आपके सभी संकटों को दूर करके जीवन में आनंद भर देते हैं। दोस्तों, इस साल 2021 में सावन के महीने में कुल 4 सोमवार हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का मास 25 जुलाई को लगेगा और 22 अगस्त को समाप्त होगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार हैं। इन प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से, पूजा को करने से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। प्रथम सावन का सोमवार 26 जुलाई 2021 को है, द्वितीय सावन का सोमवार 2 अगस्त 2021 को है, तृतीय सावन सोमवार 9 अगस्त 2021 को है और चतुर्थ सावन का सोमवार 16 अगस्त 2021 को है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की जानकारी हम लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।